राजस्थान के चूरू जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये खबर सामने आई है। यहाँ के सरदार शहर में आज सुबह 7 बजे कांटों की बाढ़ में एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ लोगों को सुनाई दी। लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए। एक नवजात बच्ची कांटेदार झाड़ियों में पड़ी हुई थी। बच्ची के शरीर में जगह जगह कांटे लगे हुए थे। मासूम का शरीर खून से लथपथ था। चींटियाँ बच्ची को काट रही थी। ऐसे में मासूम बच्ची दर्द से रो रही थी। यह सब देखकर मौजूद लोगों का भी दिल दहल गया। लोगों ने बच्ची को कांटों से निकालकर सरदार शहर CHE में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्ची का जन्म 12 घंटे पहले ही हुआ था। फिलहाल बच्ची का उपचार किया जा रहा है। दरअसल यह मामला पोनूसर गांव का है। यहां के रहने वाले ओम प्रकाश जाट और राजू सिंह राजपूत ने बताया कि वह सुबह अपने खेत की तरफ जा रहे थे। इस दौरान कांटों के बाढ़ में से बच्चे के रोने की उन्हें आवाज़ सुनाई दी। इस पर उन्होंने बाढ़ में जाकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई थी। बच्ची के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और कांटों से बच्ची के शरीर पर जगह जगह घाव हो गए थे। वहीं कांटे चुभने से खून भी निकल रहा था। बाढ़ से निकालने के बाद नवजात बच्ची की बॉडी से नुकीले कांटे निकाले गए और उसे दूध पिलाया गया और गांव के सरपंच और पुलिस को मामले की सूचना दी गई और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में ग्राम पंचायत बायला सरपंच ब्रजदाल ढाका ने बताया कि नवजात बच्ची मिलने की सूचना उन्हें मिली थी। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। गांव के लोगों से मिलकर यह बात की गई है कि मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए। ऐसा घिनौना कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में पूरा सहयोग किया जाएगा। भविष्य में गाँव में इस प्रकार की घटना होती है तो हम उनको दंडित करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर कार्यवाही भी करेंगे। तो वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जागड़े ने बताया कि बच्ची का जन्म 12 घंटे के अंदर ही हुआ है और कई जगह उसके शरीर पर कांटे छुप गए हैं और पूरी शरीर पर घाव हो गए हैं। बच्ची बिल्कुल कोल्ड हो रही थी। बच्ची का वजन 2 किलो और 100 ग्राम है। बच्ची के हालत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इलाज शुरू कर दिया गया है। तो वहीं पुलिस भी अब मासूम को झाड़ियों में फेंकने वाले आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। चौधरी नर्सिंग होम 24 घंटे इमरजेंसी ICU की सुविधा, दूरबीन द्वारा पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी, बच्ची की नर्सरी, ICU की भी सुविधा, सभी प्रकार की OPD, IPD और सभी प्रकार की जांच, और साथ ही हमारे यहां विदेशी मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है 60 फुटा ईदगाह रोड, गरिमा गार्डन, नियर गरिमांजलि पब्लिक स्कूल, साहिबाबाद, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद।